गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी हमने नेपाल राइड कंप्लीट की है। नेपाल राइड कंप्लीट करके हम इंडिया आ चुके हैं। हमारा इंटरनेशनल राइड 2022 में हो चुका है और अब मैंने आपको बताया था कि हम एक नेक्स्ट राइड प्लान कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही एडवेंचरस होने वाला है, स्नो राइड होने वाला है। हालाँकि वो राइड जो हम प्लान कर रहे थे वो कश्मीर की राइड थी, पर वो कश्मीर की राइड अभी नहीं होगी। अभी इन बिटवीन कुछ और राइड प्लान हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। और थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये राइड मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे साथ इस राइड पर ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, ओनली ऑन इंस्टाग्राम, मैंने ये डाला था कि अगर किसी को मेरे साथ राइड करनी है तो मैंने एक फॉर्म डाला था। उसमें मैंने कहा था कि मैं 8 से 10 लोगों के साथ जाऊँगा और 130 लोगों की एंट्री आई थी जिसमें उनके पिलियंस थे, ग्रुप थे, टोटल 200 लोग थे। 200 लोग मेरे साथ कह रहे थे कि हम सिक्किम जाएंगे, बट ऑब्वियसली 200 लोगों को एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। मैंने एक वेंचर स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्टोरी ऑन रोड्स, जिसके थ्रू हम लोगों को कंप्लीट पैकेज के थ्रू ट्रैवल करवाते हैं। जैसे फर्स्ट उसका जो राइड होने वाला है वो सिक्किम का राइड हो रहा है। इंस्टाग्राम पे हमने ये पोस्ट डाला था, इंस्टाग्राम पे मैंने ये स्टोरी डाली थी कि जिन लोगों को ये पैकेज लेना है 20,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था, जिसमें से अभी हम लोगों का 8 लोगों का ग्रुप जा रहा है सिक्किम, विंटर सिक्किम कह लो। तो आज मुझे भी अपनी बाइक को कम्प्लीटली तैयार करना है। आपको पता होगा हमारी बाइक के आगे पीछे के टायर पूरे ख़त्म हो गए हैं। थोड़ा सा बाइक को थोरोली चेक भी कराना है, इसके लिए मैं मार्केट जाऊंगा। और अगर आपको फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम हमारे साथ राइड करनी है तो यू कैन फॉलो माय वेंचर स्टोरी ऑन रोड्स, जिसका डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसको आप फॉलो कर लोगे तो वहाँ से मैं बार बार अपडेट करता रहूँगा कि कहाँ हम नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, कहाँ हम मिल भी सकते हैं और साथ में राइड भी कर सकते हैं। और ये जो आप मेरे कान में देख रहे हो, दीज आर द रिसेंटली लॉन्च एयरबड्स 2 फ्रॉम नॉइज। मैं यार म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा ही शौकीन हूँ और मेरे पास म्यूज़िक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम यूज़ करता रहता हूँ, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो एयरबड्स हो, चाहे वो वूफर हो, चाहे एम्पलीफायर। तो मैं काफ़ी एकदम रिसर्च करता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है अपने कैटेगरी में। तो अभी हाल में ही मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये प्रोडक्ट अपने रेंज में बहुत ही कमाल का है। एक तो स्टाइलिश है, दूसरा इसमें जो इसका प्ले टाइम है वो है 40 आवर्स। ये सब चीज़ सेकेंडरी है, सबसे बेस्ट है कि जब आप इन प्रोडक्ट के साथ कॉल करते हो तो क्योंकि आप यहाँ से बात कर रहे हो, माइक इनका यहाँ होता है तो आवाज़ थोड़ा डिले होकर पहुँचता है, लेकिन इनका क्वाड माइक इतना हेल्प करता है किसी से बात करने में, चाहे आप नॉइज़ में बात कर रहे हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे घर पर हो, बहुत ही ईजिली आवाज़ सामने वाले को पहुँच जाता है। तो ये प्रोडक्ट आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस। दो वेरिएंट में ये प्रोडक्ट आता है, एक तो ये ब्लैक है, दूसरा वाइट। ये पैकेजिंग देख लो, कुछ इस तरह का इसका बॉक्स आता है, इसके अंदर बर्ड्स लग जाते हैं। 40 आवर्स का प्ले टाइम है इसके साथ और पैकेजिंग कुछ इस टाइप की आती है। ये देख लो, ये वाइट वेरिएंट है और क्वाड माइक है इसमें, अप टू 40 आवर्स का प्ले टाइम है और इंस्टा चार्ज हो जाता है। चार्जिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है ये और IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है, तो बहुत ही सही लगा। चलो इसको एक बार अनबॉक्स करके इसका वाइट वेरिएंट भी आपको दिखाते हैं। तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का आता है, इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप से अनबॉक्स होता है। ये देखो इसको इस तरह से, यहाँ पे ये आपको ईयरबड मिल जाते हैं विथ इट्स चार्जिंग केस। बहुत ही प्यारा लगता है यार, इसका वाइट वेरिएंट भी मुझे बहुत पसंद आया, अब मैं वाइट भी यूज़ करूँगा। और ये है वाइट एंड दिस इज़ ब्लैक। ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेकर आया था और ये मैं इसमें इसको पेयरिंग करना भी बहुत आसान है। जैसे ही आप इसको ईयरबड्स को निकाल दोगे ये डिस्कवरेबल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको पेयर कर सकते हो। चार्ज करना भी बहुत आसान है, कोई भी टाइप सी वायर के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो और इसके साथ एक टाइप सी वायर भी आपको मिल जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी गुड ईयरबड्स तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर निकल चुके हैं हम अपनी लजवंती को लेकर, इसको थोड़ा पैम्परिंग कराने, इसके आगे पीछे के टायर चेंज करने हैं मुझे और एक बार KTM सर्विस सेंटर का चक्कर भी लगाना है कि वहाँ जाके थोड़ा वॉश वगैरह करा लूँगा और चेन ल्यूब वगैरह करा लूँगा और अगर कुछ कमी पेशी होगी तो वो भी देख लेंगे। MRF का टायर यार, अब यार देखो मेरे बाइक के पीछे MRF लगा हुआ है, आगे C8 लगा हुआ है और MRF हालाँकि
अभी तक जो मैंने बाइक चलाई है, MRF का टायर मुझे बहुत सही लगा। मतलब हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके कारण मैं स्लिप कर जाता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार 30,000 किलोमीटर चला है, मेटजलर वैसे भी यहाँ नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन है वो MRF है। जब चाइना के साथ हमारा पंगा हुआ था तो मेटजलर आना बंद हो गया था इंडिया में, तो KTM MRF लगा के ही ये एडवेंचर बेच रही थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ MRF ही लगवा लेते हैं और आगे का देखते हैं। आगे का भी अगर MRF का कुछ सही होगा तो वही लगा लेंगे। तो ये है वैभव टायर्स। बाइक का टायर मिलेगा क्या? बाइक का टायर मिलेगा। तो ये है यार वैभव टायर्स, MRF के फ्रेंचाइजी, और यहाँ पर हम अपनी बाइक में पीछे भी टायर MRF का डलवा रहे हैं और आगे का भी। हालांकि पहले आगे मैं यूज़ करता था C8, और ये भी कभी अभी आज तक पंचर नहीं हुआ, इसको भी करीब 25,000 किलोमीटर हो गए। ये जो पीछे मैं टायर लगवा रहा हूँ सेम यही है, MRF का मो ग्रिप मीटियोर M। और इसके अलावा और भी कुछ टायर्स थे लेकिन वो सॉफ्ट कंपाउंड थे, मेरे ख्याल से वो ऑफ रोड में ज़्यादा हेल्प नहीं करते, ग्रिपिंग उसकी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं होती। ये वाला अभी तक सही चला है तो यही वाला चेंज करवा रहा हूँ मैं। तो इस टायर ने हमें कभी भी परेशान नहीं किया, इस टायर ने 30,000 किलोमीटर हमारा साथ दिया और एक बार भी पंचर नहीं हुआ है, तो थैंक यू सो मच। लेकिन आपका और हमारा साथ यहीं तक का था, अब आपके बड़े भाई आ रहे हैं, नए भाई आ रहे हैं। अगर आप ये देखोगे तो ये इसका ग्रिप देखो और इसका ग्रिप देखो, ये लगभग ख़त्म है। अभी जब इस पे हवा डलता है तो एक बहुत ही सूदिंग आवाज़ आएगा, पट, जैसे टायर में पूरा हवा चला जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। ये बड़ा मज़ा आता है यार ये वाला बात सुन के। तो मैं भूल गया था यार, एक पंचर साइड से एक बारी लगा था, ये कहाँ लगा था ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक बारी मुझे याद है कि एक कील ऐसे साइड से अंदर चली गई थी, तो उसका एक पंचर अचानक से मुझे दिखा। चलो थोड़ा सा इसने एक बारी परेशान किया था। पीछे वाला टायर कम्प्लीटली सेट हो गया है और आगे वाला टायर खुल चुका है। आगे वाला जो टायर हम लगवा रहे हैं वो भी है MRF का ही मोग्रिप मीटियोर M, और इसका हमें पड़ा है 2750 रुपये और पीछे वाले का मुझे पड़ा है 3500 रुपये। हालांकि पिछले वाला जब मैंने लिया था ये टायर तो मुझे 3900 मिला था सिलीगुड़ी से, यहाँ 3500 रुपये का पड़ा, और आगे वाला जब मैंने लगवाया था C8 का तो मुझे 2200 रुपये का पड़ा था और यहाँ पे 2750। तो यहाँ पे बाइक हमारी रेडी हो गई है, और हालांकि बस टायर लगा है, रेडी नहीं हुई है। इसको अभी एक बार वॉश करवाऊँगा और चेन ल्यूब कराना है, और देखते हैं अगर कुछ ऐसा कमी पेशी हो तो वो भी दूर हो जाएगा। तो आगे वाला टायर भी मैंने MRF लगा तो लिया है, पर पता नहीं ऐसा नहीं हो दोनों MRF के चक्कर में बहुत ज़्यादा गिरूँ मैं। चलो देखते हैं जो भी होगा। तो वैसे 100 किलोमीटर कहा जाता है कि जब भी आप टायर लगाओ तो 100 किलोमीटर के बाद ही लॉन्ग राइड पे निकलो। हमारे पास इस चीज़ का समय तो नहीं मिल पा रहा है कि हम 100 किलोमीटर चलें। हालांकि जब मैं यहाँ से पूर्णिया जाऊँगा तो मेरा ब्रेक इन पीरियड वही हो जाएगा, और अब अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है यार थोड़ा ये कि हाँ चलो ठीक है, स्लश या कीचड़ में गिरेंगे नहीं हम। तो अब हम यहाँ से फटाफट चलते हैं KTM सर्विस सेंटर। बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है यार, और अभी 4:45 हो चुके हैं। ज़्यादा कुछ काम करवाना नहीं है तो ठीक है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अरे भैया, KTM ने तो लगभग बहुत KTM ने तो सब कुछ बदल डाला यार। अरे भैया जी, कैसे हैं आप? आगे तो पूरा रेलिंग वगैरह डलवा दिया ना, सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है ना, महंगा गाड़ी है कोई आगे ठोक के निकल जाएगा तो। नहीं, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो गाड़ी चोरी हो गया इसलिए। अच्छा,
यहाँ क्या है कि हम लोग का गाड़ी वहाँ रहेगा, इधर रहेगा जो कस्टमर आया। हाँ हाँ, इसलिए नहीं, सही है सही है। ये कोई नया रेस कंपटीशन, ये कोई नया एडिशन है क्या? जीपे? अच्छा जीपी एडिशन, अच्छा जीपी। हाँ भाई, तो कुछ अलग सा ही लग रहा है ये फेयरिंग भी अलग है ना। हाँ, इसका पैसा कितना बढ़ाया है? वही दाम है, सेम रेट 390 है ये? नहीं, 390 है। इसको भी, हाँ इसको भी काफ़ी अलग कर दिया है। अच्छा हाँ, इसका एग्जॉस्ट बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। इस बार बनाया है, मतलब पता ही नहीं चलता इस सब। इसका तो सबसे अच्छा हमको सीट लगता है। बहुत कंफर्टेबल कस्टमर को ये पोजीशन अच्छा। हाँ ये अगर वैसा रहता ना। हाँ तो KTM ने एक नया एडिशन कब लॉन्च किया? ये पिछले मतलब इसी महीने। अच्छा ओके, तो इसी साल एक नया एडिशन लॉन्च किया, मुझे नहीं पता था, शायद आपको पता होगा। RC 390 का GP एडिशन है ये, और ये RC 200 का GP एडिशन है, और ये है KTM की 250 एडवेंचर। तो यहाँ पर हमारी बाइक वॉश होके आ गई है, फिलहाल हम लोग चेन ल्यूब करवा रहे हैं। हालांकि भाई अभी तो इसको थोड़ा ड्राई कीजिएगा ना, ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इस पर ल्यूब हो जाएगा। और मैंने सोचा कि यहाँ से भी चेक करवा लेता हूँ कि टायर चेंज हुआ है, बॉल बेरिंग सब कुछ सही है कि नहीं, और क्योंकि यार लॉन्ग राइड है, ऐसा ना हो टायर बीच में घुल जाए। बाकी तो मुझे कुछ, हाँ भैया इसका ना एयर फिल्टर भी देख लेना आप। ठीक, एयर फिल्टर, क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा डस्ट था। और आपका नाम क्या है? संजय भैया, हमेशा हम जब भी हम भागलपुर आते हैं हमारी बाइक की सर्विसिंग या फिर कभी चेन अगर चेंज करना हो स्प्रॉकेट वगैरह तो यही करते हैं। यहाँ पे आती है ऐसे एडवेंचर? 250 आया था। 250 भागलपुर का ही? नहीं, बेगूसराय का। अभी तक मुझे लगता है कि इस शोरूम में हमारी बाइक आई है एडवेंचर, और एक भागलपुर में भी, एक अमरपुर में है, एक अमरपुर में। चलिए ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलिए ठीक है भैया। तो हमारी बाइक यहाँ पे रेडी हो गई है, और ये रही बाहर में खड़ी हमारी बाइक। हम यहाँ जी, हाँ चमक गई है अपनी बाइक, और अब फटाफट, मैंने शायद आपको बताया कि नहीं बताया, पर पता नहीं, एक बारी जब हम नेपाल में बाइक चला रहे थे मैंने गलती से इसको ढीला छोड़ दिया था, ये जो फ़ोन होल्डर है, और जिसके कारण ये फ़ोन उड़ गया, और चारों चक जिधर जिधर से कॉर्नर है हर कॉर्नर में टप्पा खा के ये फूट गया। ये बस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने, मेरी थोड़ी सी एक गलती थी कि मैंने इसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया। तो अब मैं यहाँ से सीधा बाहर निकलता हूँ, और बाहर निकल के आपको बताऊँगा, बाहर नहीं मतलब यहाँ से मैं सीधा घर जाता हूँ, मुझे लगता है ये एक ऐसा ट्रैप है। तो यहाँ से हम सीधा अपने घर जाते हैं, और घर जाते हुए आपको बताएंगे सारे प्रिपरेशंस के बारे में कि क्या क्या लेकर जा रहे हैं इस बारी, और क्या क्या राइड है, क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कौन कौन लोग आने वाले हैं, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये शोर शराबे से थोड़ा दूर चलते हैं। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ, और ये एक्चुअली मेरा घर नहीं है, ये वीडियो जो आप देखने वाले हो आगे आने वाले सीरीज़ में सिक्किम राइड हमने दिसंबर 2022 में की थी। अभी जैसा आपको पता है कि जनवरी 2023 चल रहा है, और ये राइड सक्सेसफुली एंड हो चुका है हमारी ग्रुप के साथ। कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और सिक्किम घुमाने वाला हूं आपको। लेकिन ये वाली राइड जैसा मैंने आपको बताया, इसमें से आप में से ही कुछ लोग मेरे साथ आए थे, 8 लोगों का एक ग्रुप था और सारे लोग गए। अब जिन लोगों को लग रहा है कि यार हम रह गए, हमें भी जाना था, तो उनके लिए मैं बताऊँ कि अभी 12 तारीख से, आज 8 तारीख है, 12 जनवरी से 18 जनवरी हम लोग हिमाचल एक्सपीडिशन कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल के जो बड़े बड़े टाउन हैं, सिटीज़ हैं, वैलीज़ हैं, इनको हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे सोलांग वैली, तीर्थन वैली,
बीर बिलिंग, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, जिब्भी, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप मेरे साथ राइड करना चाहते हैं इस हिमाचल एक्सपीडिशन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर आप अपनी डिटेल्स सबमिट करें और हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और उसी के नीचे इंस्टाग्राम का जो यूज़र हैंडल है स्टोरी ऑन रोड्स का, वो भी दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर ले ताकि आगे आने वाले जो भी हमारी राइड्स हैं, जो भी हमारा ट्रिप है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिक्किम राइड के नए नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।